आपके लिए दोस्त एक नया बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ सुविधा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से। मेरा नाम है संजय कुमार वर्मा। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ ये जो रिंकल प्लेट, जैसे आप देखते हो कि जब चौमिन समोसे मोमोस वगैरह अगर कहीं भी खाते हो, जैसे घर से बाहर कोई भी फास्ट फूड वगैरह खाते हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, रेडी हो, पटरी हो, तो वहां पे सारे इन्हीं प्लेटों को जो है सर्व कर, इन्हीं प्लेटों में सर्व कर करके और अपने सारे जो चीजें इसको आपको परोसते हैं। बिजनेस आप करना चाहते हैं तो ये कितने रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए मशीन कौन सा लगेगा और मेटेरियल कितना खरीदना पड़ेगा? 2 से 4 घंटा भी दोस्त अगर आप समय निकालते हो तो आप ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस में आप कम से कम ये लगा के चलिए कि एक दिन में आप 4 घंटे में ये मान के चलिए कि 1000 से 1500 रुपए आप डेली कमा लोगे। पर टाइम बिजनेस करके कुछ अर्निंग करना चाहते हो तो मैं आपके लिए ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, वो है पेपर प्लेट, वो भी रिंकल प्लेट बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक मशीन खरीदना होता है इस टाइप का और साथ में ये जो है ना पेपर खरीदना पड़ता है इसका, इस तरह से कोल्ड पेपर और डाइयों में रख करके इसे तैयार कर किया जाता है। आइए दिखाते हैं आपको, ये देखिए प्लेटें, आप ये प्लेट कहाँ कहाँ देखे हो, आप रेड़ी पे, होटल में कुलचे खाते वहां पे, ये हर जगह देखने के लिए मिलता है। और ये जो इस प्लेट ये बनता कैसे और इसे बनाने में इन्वेस्टमेंट क्या लगता है, अगर हम इसे फैक्ट्री खोलते हैं तो हमारी जो पूंजी लगेगा जो फैक्ट्री खोलने में तो हमें कितने रुपए लगेगा, हम सारी एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे वीडियो में, बने रहे लास्ट तक तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले जो है ना ये इस तरह से हमें एक मशीन खरीदना होता है, मशीन की जो कॉस्ट आपको अगर आएगा ये 55,000 रुपया, 55,000 रुपये में आपने मशीन खरीद लिया और इस तरह से डुप्लेक्स पेपर मिलता है वेस्टेज में, ये प्रिंटर वाले के पास मिलता है डुप्लेक्स पेपर, वहां से ला करके इस मशीन के द्वारा कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद पहले जितनी भी साइज हम पहले पेपर खरीदते हैं पहले उसे कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद हमें पहले सर्कल की तरह इसे रखा जाता है, फिर जो है ना जो दूसरी मशीनों पे रख करके दोबारा जो है हमें इसकी आकार देना पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग साइज होता है 4 इंच से 6 इंच, 4 इंच 5 इंच 6 इंच इस तरह से डाइया होता है, एक मार्केट में जो चौमिन वाला जो खरीदता है 8 इंच साइज लेता है, अलग सबका जो अलग अलग हिसाब है कि जैसे मान लो कि जिनके जो समोसे वाला हो छोटी डाई लेगा, जो चौमिन वाला होगा बड़ी डाई लेगा, हर एक प्रकार की आपको डाइया अगर 3-4 डाई अगर आप खरीद लेते हो तो उससे रख करके आप मार्केटिंग कर सकते हो, और मार्केटिंग कैसे करना वो भी सारी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। भी आप देख रहे हैं इस मशीन से अभी हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं, सारी कटिंग किया जा रहा है। और ये अगर ये पेपर अगर आप खरीदते हो तो ये पेपर जो आपको अगर वेस्टेज में अगर आप खरीदते हो तो ये आपको 30 रुपए किलो मिलेगा मार्केट में। आप इसे कटिंग करते जैसे ही कटिंग करते हो, कटिंग करने के बाद ये मेटेरियल हो जाता है कितने रुपए किलो, 60 रुपए किलो। अगर आप बना के बेचते हो तो ये इस तरह से अगर बनी हुई प्लेट बना के बेचते हो तो ये बिकेगा 80 रुपए किलो। अगर पर पैकेट के हिसाब से मार्केट में अगर आप जाओगे खरीदने के लिए तो ये 15 पीस होगा एक पैकेट में और 12 रुपए का मिलेगा। ये रिटेल प्राइस, अगर होलसेल प्राइस में जो है होलसेल प्राइस में अगर आप मार्केट में सेल करते हो तो ये आपका 8 से 10 रुपए का जाएगा। और ये आपका बनेगा कितने में, ये बनेगा आपका जो है 6 रुपए की पैकेट। करना कुछ नहीं, सिर्फ इसको पैक करके बना कर काट कटिंग करके पैक करके आप इसको बेच सकते हैं। छोटी सी पूंजी लगा करके आप घर बैठे, दशहरा दिवाली आया है, आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक कुछ घर बैठे देर ना कीजिए, ये जो मशीन है इसे खरीद करके आप रोजाना के कम से कम 1500 से 2000 रुपए कमा सकते हैं घर बैठे अपने परिवार के बीच में। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो ये मशीन खरीद करके अपने परिवार को दे दीजिए ताकि वो घर में बना करके रखेंगे, आप आइए मार्केट में उसे खरीद करके ले जाकर उठा करके उसे मार्केट में बेच आइए।
कितने कितने पेपर डाल रहे हो इसमें आप? पांच पांच। अब दिखाइए जरा ये। ये पांच प्लेटें जो है ये देखो रेडी हो गया। थोड़ा हीट करो जरा। ये पैकिंग हो गया, इसको अब ये जो है मार्केट में इसको बेचने के लिए तैयार है, ठीक है, चलो।